जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्रियाराम, जय हनुमान। हम हनुमते रुद्रात्मका हूं फट। कोई भी मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हनुमान जी के प्रसन्न करने के लिए, रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर कांड का पाठ कर सकता है। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। कहीं पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लिखा है, बशर्ते कि स्त्री यदि करती है तो उसके मासिक धर्म के 7 दिन पूरे होने के बाद 8वें दिन सिर धोकर के शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहन करके विधि विधान से राम दरबार की स्थापना कर, घी का दीपक प्रज्वलित कर, कलश स्थापना कर सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। कोशिश की जाए सुंदर कांड का पाठ जब भी करें, भूखे पेट करें। आप चाय बिस्कुट ले सकते हो बस, पर कोशिश की जाए अन्न ग्रहण न किया जाए तो ज्यादा अच्छा। यदि किसी मनुष्य का शरीर ठीक नहीं है, शुगर की बीमारी है, खाना ही पड़ता है, तो भोजन करके भी, कुछ ग्रहण करके भी सुंदर कांड का पाठ किया जा सकता है। भगवान को कहीं पर भी किसी भी हालत में याद किया जा सकता है, परंतु जब क्रिया करते हैं, क्रिया करने का मतलब हो गया सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, तो दीपक वगैरह लगाया जाता है, राम दरबार रखा जाता है और उत्तर दिशा में मुंह रखना होता है। कोशिश किया जाए उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में मुंह रख करके ही बजरंग बाण का, हनुमान चालीसा का या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ करने के बाद में हनुमान जी को भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग के रूप में गुड़ चने का प्रसाद हो सकता है, केले का भोग हो सकता है, बेसन के लड्डू का भोग हो सकता है, या फिर अग्नि प्रज्वलित करके हनुमान जी के नाम से एक खोपरा गोला, जिसको गोला गरी कहा जाता है, वह बिना फोड़े ऐसा का ऐसा ही साबुत अग्नि में उनके नाम से छोड़ देना चाहिए, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, और यदि कोई संकल्प हो तो 21 दिन लगातार भी किया जा सकता है, 41 दिन लगातार भी किया जा सकता है, परंतु नियम का, धर्म का पालन करें, एक निश्चित समय पर करें, निश्चित स्थान पर करें, स्थान परिवर्तन नहीं करना है। यानी कि पूजा स्थल पर कर रहे हैं तो उसी स्थल पर करते रहें, लाल आसन के ऊपर आपको बैठना है और राम दरबार को भी किसी लाल चौकी के ऊपर बिठाना है, धूप बत्ती लगाना है, सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करना है, फूल माला अवश्य उनको आप चढ़ा दें। तो राम दरबार में जो बैठे हुए रहते हैं, श्री रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, उन सबका भी आह्वान करें और गुरु के रूप में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का भी ध्यान करें ताकि उनका भी आह्वान हो जाए। इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं।